संगीत मुझे पहली बार सुनने का अवसर मिला है, बहुत ही अच्छा लगा। मैं थोड़ा बहुत रविंद्र संगीत के बारे में जानती थी, लेकिन आज ये जो प्रोग्राम की वजह से मुझे सुनने का मिला, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि दूसरा कुछ युग में ही लेके चले गए हैं, जहाँ पे रविंद्रनाथ जी हैं और वो सबको संगीत सिखा रहे हैं, उस किस्म का एक एटमॉस्फेयर आ गया था। ये जो पांचों सिंगर्स ने इतना मधुर गीत गाया इन लोगों ने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी एक डिजायर हुआ कि मैं भी ये संगीत थोड़ा बहुत सीख लूं। संगीत देखिए, मैं एक डांसर हूँ, डांसर लोगों को संगीत ज़रूर सीखना पड़ता है, तो संगीत तो सीखे हुए हैं हम, लेकिन आप सब लोगों के सामने प्रदर्शन नहीं किया है, वो करेंगे एक बार। तो इसकी भी इच्छा हो गई आज का ये प्रोग्राम सुनने के बाद। मतलब प्रदर्शन हम जल्द ही सुन पाएंगे या देख पाएंगे? क्लासिकल डांस तो करती रहती हूँ, लेकिन एक बार तो एटलीस्ट एक रविंद्र संगीत। कौन सा संगीत पसंद है? कौन सा संगीत आप चाहेंगे? इतना डिटेल में नहीं मालूम है, कुछ तो जो इजी रहेगा मेरे लिए गाने के लिए, मेरे सुर में मिलके जो मैं गा सकूंगी वो सीखूंगी। हमारे भारत में रीजनल लैंग्वेज को उतना प्रमोट नहीं किया जाता है जितना कि हिंदी और इंग्लिश, लेकिन ये जो रविंद्र संगीत के मुकाबले में कौन सा गाना और अच्छा हो सकता है? ये तो भले ही बंगाली है, बट इसका जो इसको तो जरूर सीखना चाहिए सब लोगों का। एंड मैं रीजनल लैंग्वेज की अगर बात करें तो इस तरह के बाकी किसी भी सब रीजनल, उसका एक अलग एक खुशबू रहती है सब रीजनल सिंगिंग म्यूजिक में, लेकिन ये रविंद्र संगीत के मुकाबले में मेरे ख्याल में और कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा एक एहसास आज हुआ मुझे। धन्यवाद। रविंद्र संगीत के बारे में बहुत सुना है और थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन आज जो मौका मिला मुझे, पूरा ये पांचों सिंगर्स ने जो इतना बढ़िया गाया, उससे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे लग रहा था कि वो दूसरे ही कुछ इरा में चले गए, रविंद्रनाथ संगीत युग में दूसरा युग चला गया ऐसा लग रहा था। और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की एक इच्छा हमेशा है मेरे दिल में, तो यहाँ आकर मैं तो एक नृत्यांगना हूँ, अभिनेत्री हूँ, लेकिन आज लग रहा था कि मैं सिंगर क्यों नहीं हूँ। मुझे गाने का भी अभी शौक हुआ है कि मुझे बड़ा तमन्ना है कि मैं एटलीस्ट एक रविंद्र संगीत मैं सीखूं और मैं गाऊं। इतना इंस्पिरेशन हुआ आज के ये शो देखकर। इतना क्लासिकल इतना पसंद है, तो क्या वही वजह थी जो इसने आपको यहाँ पर इतना खींचा है? हाँ, मुझे इनवाइट किया था और मुझे कविता कृष्णमूर्ति मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उसके साथ साथ मुझे बाकी लोगों का भी संगीत सुनने का अवसर मिला, बहुत ही अच्छा लगा। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए मैम, तो वहाँ से काफ़ी सारे कलाकार उभरे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर पश्चिम बंगाल की ही अगर बात की जाए तो वहाँ से वैसे काफ़ी ऐसे कलाकार हैं, कविता जी हैं, काफ़ी ईशान हैं, तो ऐसे सिंगर्स काफ़ी आए हैं उभरे बहुत हैं। उनका तो दे आर बेसिकली बंगाल के लोग तो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, जैसे साउथ के भी बहुत टैलेंटेड हैं वैसे ही, मतलब टैलेंटेड तो सभी हैं, क्योंकि यहाँ पे नृत्य और सिंगिंग म्यूज़िक में बहुत ध्यान दिया जाता है। और रविंद्र संगीत की वजह से कलकत्ता का, मैं सोचूंगी बंगाल का पूरा एक मान बढ़ता है, क्योंकि वो उसको प्रिजर्व करके रखा गया है इस संगीत को। और मैं चाहूँगी कि सारे हिंदुस्तान में इस संगीत का और भी इसका प्रोग्राम होना चाहिए और लोग आके सुने, क्योंकि इतना मधुर गीत है। आज के गाने जो हम लोग सुनते हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके मुकाबले में आज के गाना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा है रविंद्र संगीत। आने वाले समय में और इसका अर्थ भी इतना, मीनिंग भी, मैं बंगाली इतनी अच्छी तरह समझती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ इतना सुंदर लग रहा था।